दादी साने छोड़ा अपना घर। जी हाँ, वेल दोस्तों, आने वाला एपिसोड आपको अमेजिंग देखने को मिलेगा। ये रिश्ता क्या कहलाता का, और वहीं एक तरफ आपको अपकमिंग एपिसोड के लिए देखने को चाहिए मिलेगा कि फाइनली दादी साने छोड़ दिया है अपना घर। जी हाँ, वेल दोस्तों, हुआ चाहिए यानी कि आपको अपकमिंग एपिसोड के लिए देखने को चाहिए मिलेगा कि फाइनली जो दादी साहब होती है वो अरमान को बोलने लग जाती है, यानी कि जो अरमान और अभिरा होते हैं वो दूल्हे और दुल्हन के गेटअप में होते हैं, और फाइनली वो दोनों बोलने होते हैं कि अब हम दोनों की शादी धूमधाम से होगी। जी हाँ, वेल अब अभिरा भी मान जाती है अरमान से शादी करने के लिए, और फाइनली आपको देखने को मिलेगा कि ये दोनों शादी के गेटअप में होते हैं और वो ये बोल रहे होते हैं कि ये अब हमारी शादी धूमधाम से होगी। जी हाँ, और फाइनली वहाँ पे दादी साहब आ जाती है। दादी साहब वहाँ पे आने के बाद फाइनली वो अरमान को बोलने लग जाती है कि हाँ हाँ, शादी तो धूमधाम से होगी, लेकिन उससे पहले तुम्हें एक फैसला लेना होगा अरमान। जी हाँ, तो फाइनली जो अभी अरमान होता है दादी साहब को बोलने लग जाता है कि आखिर मुझे कैसा फैसला लेना होगा, बताओ आखिर क्या मेरे को फैसला लेना होगा। तो फाइनली जो अरमान जो दादी साहब होती है अरमान को बोलने लग जाती है कि तुम्हें ये फैसला लेना होगा कि तुम्हें अभिरा को चूज करना है या फिर मेरे को चूज करना है। जी हाँ, दोनों में से किसी एक को चूज करना होगा। फाइनली आपको देखने को मिलेगा कि जो अरमान होता है काफ़ी ज़्यादा धर्म संकट में फंस जाता है। वेल, उसको बिल्कुल भी समझ में नहीं आता है कि आखिर वो क्या करेगा, लेकिन जो वो अरमान होता है वो अभिरा को चूज करता है। जी हाँ, वेल उसका हाथ को पकड़ लेता है, और जो दादी साहब होती है वो अरमान की बातों को समझ जाती है। समझने के बाद वो बोलने लग जाती है कि अब मेरा इस घर में रहने का कोई भी हक नहीं है, और फाइनली वो अपना सूट केस ले आती है। लेके आने के बाद फाइनली वो अपने घर को छोड़ देती है। जी हाँ, वेल अब देखना ये होगा कि क्या होता है अपकमिंग एपिसोड के अंदर। वेल, आपको क्या लगता है क्या होने वाला है अपकमिंग एपिसोड के अंदर, तो ये आप हमें कमेंट करके बता सकते हो। रहस्य ये रिश्ता क्या कहलाता है के अपकमिंग एपिसोड के अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब रखना। सो इस वीडियो में इतना ही, मिल देखने वीडियो और एक नए अपडेट के साथ। बाय।